हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ जायसवाल और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ SBI क्लर्क, SBI PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क के बारे में। जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स का मतलब होता है जो बैंकिंग के लिए तैयारी करें उसको बैंकिंग एस्पिरेंट्स कहते हैं। जो बैंक पीओ या बैंक क्लर्क बनने के लिए कुछ प्रोसेस का ज़रूरत पड़ता है जो कि आपको उस सरकारी नौकरी तक पहुंचा सकता है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे SBI PO और SBI क्लर्क के बारे में। ज़्यादातर कुछ अगर आप SBI PO बन जाते हैं या फिर SBI क्लर्क बन जाते हैं तो उसके बाद आपका जो है कुछ ड्यूरेशन के लिए आपको काम करने को मिलेगा, मतलब उस माहौल में आपको ढाला जाएगा। जैसे कि उस माहौल को कहेंगे प्रोबेशनरी पीरियड, मतलब कि उसमें आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, मार्केटिंग में, इन्वेस्टमेंट में, रूटीन वर्क में, स्क्रोलिंग में, कॉस्टिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में और अदर जैसे डे टू डे वर्किंग होता है, और चेक पास करना, ड्राफ्ट पास करना, ये हर चीज़ आपको बैंक पीओ का नौकरी जो पाता है उसको करना पड़ता है। अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर एकदम सफा है इसमें। बैंक पीओ और जितना भी बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है साल में समझ लीजिए 4 बार होता है, मतलब कि अलग अलग पोस्ट के लिए होता है। जैसे कि SBI क्लर्क अभी रिसेंटली आने वाला है ऑलमोस्ट जून या जुलाई में, और फिर उसके बाद आएगा SBI PO के लिए, फिर उसके वही अगस्त, मतलब कि अब आपका जो है बैंकिंग का पूरा प्रोसेस, मतलब कि जॉब का प्रोसेस जो है अब शुरू होने वाला है। ऑलमोस्ट अभी अप्रैल चल रहा है 2022 में, अब अप्रैल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, मई जून जुलाई से आपका जो है पेपर भी शुरू हो जाएगा, जून में आपका आता है नोटिफिकेशन। और फिर उसके बाद मतलब प्रोसीजर क्या है अब उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो आपको फुल नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में। फिर एज लिमिट होता है मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। यहाँ पे OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का छूट होता है और SC ST वालों के लिए भी 3 ईयर्स से 5 साल का छूट होता है, लेकिन जनरल कैटेगरी वालों के लिए नहीं होता। परसेंटेज यहाँ पे आपका किसी भी तरीके का मैटर नहीं करता, बट हाँ, लेकिन कुछ बैंकिंग क्षेत्रों में इसका जो है मैटर करता है। जैसे कि अभी बैंक ऑफ इंडिया का आया है रिक्रूटमेंट, तो उसमें 60% के अबव या फिर 60% के लगभग जो है डिग्री में परसेंटेज मांगा जा रहा है। और फिर इसका तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगस्त से अक्टूबर में ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, 24 डेज में जो है आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन मिलने के बाद। इसमें स्टेजेस हैं, 3 तरीके के स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स हैं, मेंस है, फिर इंटरव्यू है। इंटरव्यू उन्हीं लोग का होगा जो SBI PO देंगे, SBI क्लर्क वालों का नहीं होगा। SBI क्लर्क के लिए सिर्फ प्रीलिम्स, मेंस और फिर उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगा। SBI क्लर्क का आपको सैलरी भी पता कर, मतलब कि सैलरी मैटर करता है कि SBI क्लर्क और SBI PO में क्या क्या सैलरी है।
तो SBI क्लर्क के लिए आपको बेसिक पे मिल जाएगा ऑलमोस्ट 30,000, एंड अदर अलाउंस भी मिलेंगे उसमें, जैसे हाउस रेंट अलाउंस हुआ और पेट्रोल का खर्चा, ये सब सब इंक्लूड होकर ऑलमोस्ट 30 to 35,000 के लगभग हो जाएगा। लेकिन SBI PO में आपको 60,000 बेसिक पे मिलेगा, और उसके ऊपर आपका हाउस रेंट हो गया, मतलब कि पोस्टिंग आपका कहीं भी हो सकता है, मतलब कि पोस्टिंग के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। आइए थोड़ा सा प्रीलिम्स के सिलेबस और उसके सब्जेक्ट और उस एग्जामिनेशन टाइम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ। इंग्लिश में आपको ऑलमोस्ट 12 लेसन होते हैं, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा और वीडियो डालूंगा, आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। और मैथ में भी ऑलमोस्ट 15 लेसन होते हैं, और रीजनिंग में भी ऑलमोस्ट 12 लेसन होते हैं, मतलब कि बैंक का जितना भी सिलेबस है वो लिमिटेड है। अब प्रीलिम्स में आपको समय मिलता है 1 घंटे का और 100 मार्क्स के लिए, मतलब कि पूरा 100 क्वेश्चन होगा इंग्लिश में, 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स के लिए, टाइम लिमिट होगा 20 मिनट्स का। मैथ के लिए 35 क्वेश्चन होगा, 35 मार्क्स के लिए 20 मिनट उसमें मिलेगा समय। रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, टाइम लिमिट 20 होगा। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद 1 महीने बाद होता है मेंस का एग्ज़ाम। मेंस के एग्ज़ाम में मेनली 4 सब्जेक्ट होते हैं, और 4 सब्जेक्ट होते हैं, 155 के लगभग क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200 का होता है और मैक्सिमम टाइम होता है 2 आवर्स का। अब 4 सब्जेक्ट क्या क्या होंगे? रीजनिंग होगा एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा, मतलब कि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का दोनों मिला के क्वेश्चन 45 क्वेश्चन होगा 60 मार्क्स के लिए, टाइम लिमिट होगा 60 मिनट। जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी से रिलेटेड और बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के लिए, टाइम लिमिट होगा 35 मिनट्स। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा बता दें कि आपको 6 से 7 महीने तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जितना भी बैंकिंग एग्ज़ाम है, मतलब कि बिल्कुल लिमिटेड सिलेबस है, लेकिन आपको हर लिमिटेड सिलेबस में अपना बेस्ट 100% देना ही पड़ेगा। अब चलिए अब इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में मेंस में 35 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के लिए, टाइम लिमिट होता है 40 मिनट्स। और फिर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये है मैथ्स का टॉपिक। मैथ्स के टॉपिक्स में आते हैं 35 क्वेश्चंस ऑफ 60 मार्क्स, टाइम लिमिट होता है 45 मिनट्स के लिए। और आप अपना लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहें तो इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में देना चाहें हिंदी में दे सकते हैं। फिर थोड़ा सा आपको बता दें डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, मतलब कि अगर आप मेंस भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आएगा एसे और लेटर आएगा, लेकिन आपको जितना भी एसे और लेटर देना है वो पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश होना ही चाहिए। इंग्लिश मतलब लास्ट में कंपलसरी हो जाता है। और फिर थोड़ा सा पेपर जैसे पेपर
मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर उसके बाद जो है हर चीज़ पास कर जाएंगे। होने के बाद जो है इंटरव्यू में आपका जो है इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है, मतलब कि अगर आप प्री पास कर गए, मेंस पास कर गए, डिस्क्रिप्टिव भी दे दिए उसमें, और फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के भी लाया जाएगा। इंटरव्यू का मार्क्स 100 मार्क्स का होता है। फॉर जनरल कैंडिडेट मतलब कि इसमें भी आपका कैटेगरी डाला गया है कि जो जनरल के कैंडिडेट होंगे उनको मिनिमम मार्क्स 40 मार्क्स लाने हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जनरल कैंडिडेट वाले का अगर इंटरव्यू में 40% से कम मार्क्स आता है तो वो फेल हो जाएंगे। और ओबीसी और SC ST कैटेगरी वालों के लिए 35 माना लाना मैंडेटरी है। मतलब ओबीसी वाले जो है 35 मार्क्स के नीचे लाएं तो वो फेल हो जाएंगे, मतलब कट ऑफ, मतलब कि इसमें भी आपका कट ऑफ आता है इंटरव्यू में भी। अब सैलरी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑलमोस्ट ये तो क्लर्क का सैलरी है, जो मैंने PO गलती से लिख दिया, ये है क्लर्क का सैलरी SBI क्लर्क का। और PO का आता है, SBI PO का आता है ऑलमोस्ट 60,000 के ऊपरी आता है। अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। ये है रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट समझ लीजिए लिमिटेड है। वर्बल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है और लॉजिकल रीजनिंग है। वर्बल रीजनिंग में आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल आ जाएगा, ब्लड रिलेशन आ जाएगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आ जाएगा, और ऑर्डर और रैंकिंग आ जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला बात यह है कि सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से ही आपका 20 क्वेश्चन आते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है हर बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। मतलब कि बिना आप इसके आप क्वालिफाई नहीं कर सकते प्रीलिम्स। और फिर अगर सीटिंग अरेंजमेंट आपका बेकार होगा, पजल बेकार होगा, मतलब कि आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद आएगा एनालिटिकल रीजनिंग में। एनालिटिकल रीजनिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिलॉगिज्म है, इनइक्विटी है और मशीन इनपुट है। ये तीनों जो है इसको आपको एनालाइज करना पड़ता है, और एनालाइज करने के बाद आप कंक्लूज़न निकालना पड़ता है इसका। कि सिलॉगिज्म के बारे में बताएं तो समझ लीजिए कि दो एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, क्या मतलब कि पॉसिबल रिलेशन है, वो आपको डिफाइन करना पड़ता है। अब लॉजिकल रीजनिंग में आएगा कोर्स या फिर आर्गुमेंट्स और इंटरफेस, ये सब टोटल जो है मेंस का पार्ट हो जाता है। और आपको तो मैंने बता ही दिया कि प्रीलिम्स में भी वही होता है, लेकिन मेंस में यही चीज़ जितना भी अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये सब जो है अपने मैसिव लेवल में होते हैं, मतलब कि बहुत हाई लेवल का पूछा जाता है मेंस में। और प्रीलिम्स में हर तरीके का, जैसे SBI क्लर्क के लिए थोड़ा सा मॉडरेट लेवल रहेगा, SBI PO के लिए होगा मॉडरेट से डिफ़िकल्ट होगा प्रीलिम्स में, और फिर मेंस में डिफ़िकल्ट ही रहेगा। मतलब कि उसमें कोई दो राय नहीं रहेगा कि आपको इजी ही मिले, इजी मेंस में इजी नहीं मिल पाता, आपको मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहता ही है। अब आइए थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बात कर लिया जाए। इंग्लिश में कंप्लीट बैंकिंग कोर्स होता है, मतलब कि इंग्लिश में प्री प्लस मेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री के लिए आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं,
और यही चीज़ मेंस में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। अब अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर आपको अच्छा होना चाहिए और लैंग्वेज भी आपका अच्छा होना चाहिए, और क्वेश्चन क्वेश्चन और रूल्स के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ये सब जैसे वोकैबुलरी है, पार्ट ऑफ स्पीच है, जेरेंड है, टेंस है, एरर है, फिलर्स है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, रीअरेंजमेंट है, वर्ड स्वैप है, क्लॉज टेस्ट है, मैच द कॉलम है, स्टार्टर्स और कनेक्टर्स है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ये सब जो है सिलेबस है इंग्लिश इंग्लिश का बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। अब आइए थोड़ा सा मैथ का सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। मैथ के सिलेबस में आपको सिंप्लीफिकेशन देखने को मिल जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखने को मिल जाएगा, अर्थमेटिक भी आपको मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिलेगा, मिसिंग नंबर भी मिलेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन मिलेगा, और डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 मिल जाएंगे, अप्रोक्सीमेशन से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, अर्थमेटिक से भी आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मिसिंग नंबर में से शायद आपको 5 भी मिल सकते हैं, और क्वांटिटी बेसिस पे भी आपको 5 से या फिर 0 क्वेश्चन मिलते हैं ज़्यादातर। लेकिन वेटेज आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में मिलेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक में मिलेगा, मतलब कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको जो है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट दे दिया गया है कि आपको उसमें ही बढ़िया लाना ही लाना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और ये सब करने के बाद आपको पूरा सिलेबस मैंने बता दिया। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है नॉलेजेबल नॉलेज टू अचीव, और अपने दोस्तों में शेयर करिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नॉलेज टू अचीव मेरे चैनल का नाम है। थैंक यू। अगर आपको किसी तरह डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू।